दोस्तों, जहर जो एक इंसान को मारने के लिए सबसे खतरनाक पदार्थ होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जहरों के नामों में रैसिन सबसे नंबर वन जहर माना जाता है। आज हम उसी रैसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुनिया के खतरनाक जहर के लिस्टों में शामिल होते हैं। रैसिन एक तरीके का जहरीला प्रोटीन है। ये कैस्टर नाम के पौधे के बीज में पाया जाता है। कैस्टर को हिंदी में अरंडी का पौधा बोलते हैं। नुकीले पत्तियों की छोटे कांटेदार वाले पौधे होते हैं। छोटे कद का पौधा होता है दोस्तों। पश्चिमी देशों में ज़्यादातर इसको सजावटों, घर के सजावटों में इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी के बीज में 5-10% तक रैसिन पाया जाता है। इन बीजों में तेल की भी प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इससे कैस्टर ऑयल भी निकाला जाता है। अरंडी का यह तेल दवाइयों में काम आता है। मालिश करने और बालों में लगाने के लिए भी अरंडी का तेल खूब विख्यात है। इसके अलावा इसकी छोटी मात्रा खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब कैस्टर के तेल से खाना पकाया जाता है तो फिर इसमें जहर कैसे होता है? इसका जवाब यह है कि जब अरंडी के बीज को जब पेरा जाता है तो उसमें से ऑयल निकलता है, उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन वो खली जो बचता है पेराने के बाद उसमें रैसिन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जहर बनाया कैसे जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री की ठीक ठाक जानकारी रखने वाले लोग इसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए ना ही कोई केमिकल का जरूरत होता है और ना ही कोई बड़ा लैब का। अंडी के बीज से तेल निकालने के बाद बचे खाली से रैसिन निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी नाम की प्रक्रिया काम में आती है। इसकी प्रक्रिया इतनी आसान है कि अमेरिकी सरकार ने इंटरनेट पर इसकी रेसिपी को बंद कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।